अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है? सबसे पहले टर्मिनेटर मूवीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ। अराउंड इसके पांच पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले इसका प्लॉट है वो ये है कि 2029 के अंदर कहानी चल रही है। हमारे पास जो साल चल रहा है वो 2029 है, मतलब कि 2029, जिसमें हमारे पास LA लॉस एंजलिस के अंदर के टर्मिनेटर्स जो हैं, जो रोबोट्स हैं, वो इंसानों के ऊपर हावी हो रहे हैं। लड़ाई वगैरह हो रही है, जंग वगैरह हो रही है, और हमें देखने को मिलता है कि जो रोबोट्स हैं 2029 में से एक जो है टाइम ट्रेवल करता है 1984 के अंदर जाता है, जो कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का टर्मिनेटर होता है। वो असल में सारा कॉनर को मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमें आगे देखने को मिलता है कि सारा कॉनर जिस टाइमलाइन के अंदर रहती है, कल को इसका आगे बच्चा पैदा होगा जिसका नाम जॉन कॉनर होगा। आगे 40 साल बाद टर्मिनेटर्स को पैदा किया जाएगा, वो क्रिएट होंगे और वो आगे इंसानों पे हावी होना शुरू हो जाएंगे। तो टर्मिनेटर्स के खिलाफ कोई लड़ेगा तो वो सारा कॉनर का बेटा जॉन कॉनर होगा। तो हमें यही देखने को मिलता है कि जॉन कॉनर टर्मिनेटर को हराने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए लड़ाई करेगा। तो टर्मिनेटर्स जो है वो इसी टाइमलाइन के अंदर अभी आ रहे हैं कि कोशिश करो सारा कॉनर को अभी मार दो, ताकि हमारे खिलाफ खड़ा होने वाला कोई बचा ही ना। जहाँ इसका पहला पार्ट 1984 के अंदर है टर्मिनेटर, ये मूवी असल में एक एक्शन पैक मूवी है। इंटेंस सीन्स हमें देखने मिलते हैं, ओवरऑल एक्साइटेड कर देती है, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम अगर गुजर भी जाए फिर तुम इसको देखो तो तुम एक्साइटेड हो जाते हो कि हाँ भी हमें क्या कुछ कैसे कैसे देखने को मिल रहा है। वो मूवी 1984 के अंदर रहती है, लेकिन आज तुम देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिलेट कर सकते हो। ये मूवी अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। और एक चीज़ ये मूवी तुम्हें पता है लो बजट के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन इस मूवी के अंदर पोटेंशियल बहुत था। जहाँ इसका पार्ट टू है उसका नाम है टर्मिनेटर टू जजमेंट डे, जिसकी कहानी आगे एक परफेक्ट सीक्वल मानी जाती है। और पार्ट वन से आगे इसकी कहानी चल रही है, तुम्हें पता है ये एक परफेक्ट सीक्वल माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म्स हमेशा के लिए। और एक चीज़ ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव अपने टाइम से शूट की गई। तुम्हें पता है 100 मिलियन इस मूवी का बजट था। जब भी टर्मिनेटर मूवीज़ का जिक्र किया जाए, जजमेंट डे मूवी का जिक्र हमेशा किया जाता है। ये अपनी सारी लिमिट्स को एक्सीड किया है, ये अपने टाइम की मास्टरपीस थी, यकीन करो। और टर्मिनेटर टू के अंदर हमारे पास दो टर्मिनेटर हैं, एक वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाला जो कि हमारे जॉन कॉनर बच्चे वाले को बचाने के लिए आएगा, और दूसरा जो हमारे बच्चे वाले जॉन कॉनर को मारना चाहेगा। जॉन कॉनर ने अपने बच्चे वाले वर्जन को बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए एक टर्मिनेटर को भेजा होता है। हाँ, टर्मिनेटर 2 के बाद जो टर्मिनेटर 3 है वो यकीन करो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसका नाम था राइज ऑफ द मशीन। हाँ, बेस्ट नहीं है लेकिन गुड मूवी है। तुम ये कह सकते हो कास्ट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे किस्म का काम किया, लेकिन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हमेशा की तरह इसमें एक अलग स्पार्क लेकर आ गए। बाकी टर्मिनेटर मूवी से एक अलग डिफरेंट टाइप की टर्मिनेटर मूवी थी, जिसमें हमें एक अलग फीमेल किस्म की टर्मिनेटर देखने को मिलती, जिसमें कह सकते हो असल में TX एक फीमेल टर्मिनेटर। क्योंकि इससे पहले जितने पार्ट्स के अंदर हमारे पास आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर आता है, पहले पार्ट के अंदर या तो वो मर जाता है, पार्ट टू के अंदर वो खुद हमारे जॉन कॉनर का रखवाला बन जाता है उसकी सेफ्टी के लिए आ जाता है। तो इस बार तीसरे पार्ट के अंदर फीमेल टर्मिनेटर आती है जॉन कॉनर या उसकी माँ को मारने के लिए। टर्मिनेटर 3 के बाद जो पार्ट 4 है, जिसका नाम है टर्मिनेटर सेल्वेशन, ये मेरी तीसरी फेवरेट मूवी है टर्मिनेटर फ्रेंचाइज से। पहला पार्ट पसंद आया, जजमेंट डे पसंद आया, और टर्मिनेटर ये वाली सेल्वेशन वाली, ये अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे लेके जाना, ये सेम चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। लेकिन इस बार इस मूवी के अंदर जो कास्ट उन्होंने रखी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉएबल थी। क्रिस्टन बेल थे इसके अंदर, क्योंकि जॉन कॉनर काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा जिसको तुम अपना पर्सनल रिलेट कर पाओ। तो हम हमारे क्रिस्टन बेल को बैटमैन के डार्क नाइट से ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचानते हैं, तो हम लोग पहचान गए कि क्रिस्टन बेल को उन्होंने जॉन कॉनर बनाया। टर्मिनेटर मूवीज़ की एक बहुत ही रेयर किस्म की मूवी, जिसमें एक एक्सपीरियंस तुम्हें महसूस होता है, थोड़ी बहुत इमोशनल है, तीन चार तरह की चीज़ों को मर्ज कर दो तो ये मूवी क्रिएट हो जाती है। कुछ ज़्यादा सीन्स ऐसे भी हैं जो तुम्हें एक थोड़े मोमेंट के लिए डरा देते हैं। जहाँ टर्मिनेटर 4 के बाद जो टर्मिनेटर 5 है जेनेसिस वाली, इस मूवी की कहानी से पहले इसका एक फैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता है टर्मिनेटर 5 की कहानी टर्मिनेटर 1 से कनेक्ट हो जाती है, कि टर्मिनेटर 1 के अंदर जो कुछ तुम्हें देखने को मिला उन सब चीज़ों को कैसे सेटअप किया गया, उस चीज़ के हमें थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं टर्मिनेटर 5 के अंदर। टर्मिनेटर 5 के अंदर टर्मिनेटर 1 का आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर देखने को मिलता है, तो टर्मिनेटर 1 के टाइम पर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कैसा दिखता था, उस चीज़ को सेटअप करने के लिए उन्होंने टर्मिनेटर 5 में 110 मिलियन का खर्चा करा, और क्रिएट करने के लिए CGI की जरूरत पड़ी, जिसको कंप्लीट करने में अराउंड 11 महीने लगे। तो तुम्हें देखने को मिलेगा हमारे पास पुराना टर्मिनेटर 1 का आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर टर्मिनेटर 5 वाले आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से लड़ाई कर रहा होता है। ये इंस्टॉलमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। ये फ्रेंचाइज की जितनी मूवीज़ हैं उन सब चीज़ों को ये एक कंबाइन कर देता है, मतलब कि सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के लेके चल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं। ग्रेट एक्टर्स हैं मूवी के अंदर, इन कैरेक्टर्स के अंदर एक की पार्ट कैरेक्टर प्ले किया है। इस मूवी के अंदर हमारे पास जो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं वो इस टर्मिनेटर होने के बाद भी एजिड हो चुके हैं। इसकी क्या कहानी है आगे बताऊंगा, कि तुम डिस्ट्रैक्ट कर जाते हो, ऐसा कुछ नहीं। जजमेंट डे वाली जंग को 90s में होना था, लेकिन वो 2017 में हो रही है, लेकिन उसका नाम अब जेनेसिस बन चुका है। हमारे पास जो जॉन कॉनर है उसको ये चीज़ पता है कि स्काई नाइट ही जेनेसिस है, तो टाइम ट्रैवल करता है 2017 के अंदर जाने लग जाता है। लेकिन हमारे पास जो टर्मिनेटर है वो 2017 के ईयर आने तक का वेट करता है, जिस वजह से टर्मिनेटर बूढ़ा हो जाता है। लेकिन हमारे जॉन कॉनर ने टाइम ट्रैवल किया, जिस वजह से वो जवान का जवान रह गया। मूवी के अंदर बहुत सारे कूल मूवमेंट्स हैं। एंडिंग में हमारे पास जो टर्मिनेटर है वो मर तो जाता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से रिवाइव भी कर जाता है। ये मूवी की एंडिंग असल में एक पूरे पैराडॉक्स को कंप्लीट कर देती है। पार्ट 1 जैसे स्टार्ट हुआ था, ये एंडिंग तक सारी चीज़ों को कंप्लीट कर देते हैं। एक पैराडॉक्स जो था वो प्रॉपर पूरे सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो जॉन कॉनर है हमारा बड़ा वाला, वो अपने बचपन से मिलता है, तो जैसे कहानी स्टार्ट हुई थी वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ये था सब कुछ। तो मैं कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस जैसी वीडियोस देखने चैनल को मारो सब्सक्राइब। मुझसे बस नहीं मिलना, मैं आ मिलूंगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।